गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानगंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लास। आई एम वाजिद कीर्ति। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड चैप्टर इज 4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट applications that help to manage data, create visually persuasive charts and thought-provoking graphs. Microsoft Excel can also be used to balance a checkbook, create an expense report, build formulas and edit them. Microsoft Excel का use checkbook को balance करने के लिए, फिर expense reports को create करने के लिए, formulas को build करने के लिए और इन सब को edit करने के लिए होता है. Spreadsheet is software that helps to substitute the paper worksheet in a office in the offices. Spreadsheet displays data in the form of row and columns. An intersection of row and column is known as a cell. So dear students, here definition of cell is given. An intersection of row and column is known as a cell. Okay, now we will learn about how to start the Excel. An Excel document is called a workbook. Okay, an Excel document is called a workbook. By default, Excel workbook contains 3 worksheets. Design it as sheet 1, sheet 2 and sheet 3. By default, Excel में कितनी workbook होती है? 3. उसके नाम क्या है? Sheet 1, Sheet 2 and Sheet 3. The extension name of Excel workbook is .xls. Okay, ये आपको compulsory याद रखना है कि Excel का extension name क्या है? तो .xls. We can start Excel in many ways. First, start program Microsoft Office, then Microsoft Excel and last enter हमें press करना है. Okay, then second, start run type Excel and last में hit enter, मतलब enter key को press करना है. And then third, double click on the Microsoft application icons. Okay, यहाँ पर राइट साइड पर आपको पिक्चर भी दिया गया है कि एक्सेल प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडोज. एन एक्सेल विंडो हैज़ सेवरल यूनिक्स एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड इन अ फिगर बिलो. ओके, सबसे पहले क्या है? टाइटल बार. ओके, देन उसके नीचे मेनू बार. नेक्स्ट, टूल बार. उसके नीचे फार्मूला बार, फार्मूला बार. फिर ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर की बॉर्डर है, उसे हम सेल कहते हैं. ओके, देन फिल हैंडर, इसे हम कहेंगे कॉलम हेडिंग, ये रो हेडिंग. देन यहाँ पर देखो, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, ये सारी शीट यहाँ पर दी गई है. ओके, तो वर्कशीट टैब स्क्रोलिंग बटन्स, ये बटन की हेल्प से हम, अगर हम शीट 2 में वर्क कर रहे हैं तो ये बटन की हेल्प से हम शीट 1 में जा सकते हैं. ओके, और ये बटन का यूज़ नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए होता है. देन दिस इज स्टेटस एरिया,
दिस इज स्क्रॉल बार, ये जो है ना ब्लू कलर का उसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं. ओके तो ये सारे एक्सेल विंडो के कंपोनेंट्स है. नाउ वी विल गेट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडोज. इन दैट फर्स्ट इज रोज, कॉलम एंड सेल. इन अ वर्कशीट रोज आर नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. द कॉलम्स आर लेबल्ड विथ लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. रोज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 65,536 एंड कॉलम लेबल फ्रॉम 8 to 4 to 56 कॉलम. यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है. तो रो है 65,536 और रो है 256. नेक्स्ट इज टाइटल बार. द टाइटल बार कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड द डिफॉल्ट नेम ऑफ द वर्कबुक बुक वन दैट वुड चेंज एज सून एज यू सेव योर फाइल एंड गिव अनदर नेम. ओके देन थर्ड इज मेनू बार. द मेनू बार कंटेन्स मेनूज दैट इंक्लूड ऑल द कमांड्स यू नीड टू यूज टू वर्क योर वे थ्रू एक्सेल सच एज फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडोज एंड हेल्प. ये सारे मेनूज मेनू बार पर हमें दिखाई देते हैं. नेक्स्ट टूल बार. टूल बार आर यूजुअली शॉर्टकट्स फॉर मेनू आइटम्स. स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार आर डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट. ओके नेक्स्ट फिफ्थ इज एक्टिव सेल. द सेल इन विच यू आर करंटली वर्किंग. ओके एक्टिव सेल क्या होता है? जिसमें हम वर्क करते हैं. मैंने आपको दिखाया ना कि सेल किसे कहते हैं. हाँ तो वही सेल में हम वर्क करते हैं. फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल. एक्टिव सेल में हम जो भी वर्क करते हैं वो सारे फॉर्मूला बार में हम देख सकते हैं. सेवन नेम बॉक्स डिस्प्ले द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल. नेम बॉक्स में हम क्या डिस्प्ले करते हैं, मतलब क्या देख पाते हैं? तो एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, एड्रेस एक्टिव सेल के एड्रेस. कॉलम लेटर फॉलोड बाय द रो नंबर फॉर एग्जांपल B6. एट वर्कशीट एरिया. द मिडल पोर्शन ऑफ स्क्रीन विच ऑक्यूपाई अ मेजर एरिया इज कॉल्ड वर्कशीट एरिया. इन दिस एरिया इंफॉर्मेशन और डेटा फॉर एग्जाम्पल आइदर टेक्सुअल और न्यूमेरिकल कैन बी एंटर्ड एंड द रिजल्ट कैन बी डिस्प्ले. अ वर्कशीट इज अ लार्ज वर्क एरिया ऑफ 65,536 रोज एंड 256 कॉलम्स. नाइन स्टेटस बार. Located at the very bottom of the screen display brief information about activating features within the worksheet area. 10. Sheet tapes appear above the status bar displaying the name of the worksheet. Next is standard toolbar. The standard toolbar located beneath the menu bar has buttons for commonly performed tasks like adding a column of numbers, printing, sorting and other operations. Excel lets you customize the toolbar or even display multiple toolbars at the same time. The standard Excel XP toolbar appear in a figure below. ओके स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पर आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है. इसमें बहुत सारे मेनूज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है न्यू,
सेकंड ओपन, फर्स्ट न्यू, सेकंड ओपन, थर्ड सेव, फोर्थ परमिशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एसेस, फिफ्थ ईमेल, सिक्स प्रिंट, देन प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, रिसर्च, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों बटन साथ में ही होते हैं. ओके, कट के बाद कॉपी, उसके बाद पेस्ट, देन फॉर्मेट प्रिंटर, अंडू, रीडू, इंसर्ट हाइपरलिंक, ऑटोसम, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, कोई भी नेम या फिर डेटा होता है इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ से सेट कर सकते हैं. चार्ट विजार्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम चार्ट के फॉर्म में भी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं. देन ड्राइंग, देन जूम, एंड लास्ट इज हेल्प. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर अवर पार्ट वन इज़ कंप्लीटेड एंड वी विल सी पार्ट टू इन अवर नेक्स्ट वीडियो.